पोल्ट्री के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो हम अपने ब्रॉयलर मुर्गियों को पानी पीने के लिए देते हैं तो उस ड्रिंकिंग वाटर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कितना होना चाहिए। तो इसकी जानकारी से पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो ब्रॉयलर बर्ड ब्रॉयलर मुर्गियां हमारी होती है उनके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 41 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो यदि जो आप अपने पोल्ट्री को पानी पीने के लिए दे रहे हैं यदि उसका टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस से कम है, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस ऐसे रहता है तो ऐसा पानी जो आपकी मुर्गियां आराम से पी लेती है। लेकिन यदि आप पोल्ट्री मैनेजमेंट हर एंगल से अच्छा रख रहे हैं, आपने उनका वेंटिलेशन अच्छे से किया है, पोल्ट्री फार्म का टेम्परेचर अच्छे से कंट्रोल किया है, जो उनका लीटर की क्वालिटी है उस पर आप अच्छे से काम कर रहे हैं, और इसके साथ आप ये भी चाह रहे हैं कि जो आप पानी उनको पीने के लिए दे रहे हैं उसका जो टेम्परेचर है वो भी आप अच्छा रखें जिससे आपका जो ब्रॉयलर है उसका परफॉर्मेंस अच्छा चल सके। तो इसके लिए किसान भाइयों यदि आप 18 से लेकर 21 डिग्री 18-21 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उनके पानी का जो मेंटेन कर लेते हैं तो ये सब जो सबसे बेस्ट टेम्परेचर वाला पानी माना गया है पोल्ट्री के लिए। किसान भाइयों यदि आपके पोल्ट्री फार्म पर भी ऐसे ही ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगे हुए जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं तो इसका जो एक बेनिफिट हमें ये मिल जाता है कि गर्मियों में से जब इन ड्रिंकर से पानी नीचे टपकता है तो वो ऑटोमेटिकली जो इनके बॉडी का टेम्परेचर है उससे बहुत कम ही रहता है। और यदि सर्दियों में बात करूँ तो सर्दियों में जब ऑटोमेटिक ड्रिंकर का पानी है वो गुनगुना सा ही रहता है क्योंकि हमने जो इनके टेम्परेचर देने के लिए जो ब्रूडर है, बखारियाँ हैं या फिर कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स है वो पहले 15-20 दिन अपने फार्म पर चलाया होता है और उसके बाद में बर्ड की अपनी जो हीट है वो हो जाती है। तो सर्दियों में भी जो है आपको आराम से इन ड्रिंकर्स में आपका जो बर्ड है वो पानी पी रहा होता है। यदि आप पोल्ट्री के वाटर टेम्परेचर पर ही सिर्फ फोकस करते हैं और आप के यदि जो मुर्गियों को पानी दे रहे हैं उसका जो TDS है वो 300-400 इसके ऊपर रहता है जहाँ फिर जो pH वैल्यू है पानी की वो 8 से ऊपर रह रही है तो ऐसा पानी पीने से आपकी जो मुर्गियां हैं, आपका जो बर्ड है वो बहुत सी बीमारियों के चपेट में आ सकता है। हम आपको जल्द ही सन्नी पोल्ट्री पर TDS और pH लेवल के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि आपने सन्नी पोल्ट्री सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे जो भी हम वीडियो लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही ये बिल्कुल निःशुल्क है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।